सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सगल गुणा के दाते स्वामी, बिनो सुनो इक दीना, देहो दर्शनानक बलिहारी, जियड़ा बल बल कीना, जे तो तुठा कृपा निदान, ना दूजा वेखाल, एहा पाई मुंदा तुड़ी, नित हिरदय रखा समाल, कोट पराद हमारे खंडो, अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तम अपन बिरद रखावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। सोही महला पंजवा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोल ना जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे, मेरी राम राय तू संतां का संत, तेरी तेरी सेवक को पौ किश नाहीं, जम नहीं आवे नेरी रहाओ, जो तेरे रंग रति स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मिटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम त्यायन सुख फल पायन, आठ पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवस, पंच दुष्ट ले साधे, ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी, ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
दुनिया विच दो तरह के रिश्ते ने, एक स्वार्थी रिश्ता है, एक परमार्थी रिश्ता है। स्वार्थी रिश्ते विच ये मजबूरी है, ये उतना चिर ही चलता है जितना चिर स्वार्थ की कंढ बजी हुई है। स्वार्थ पूरा हो गया, रिश्ता टूट जाता है, सदीव नहीं रहना। फैसला गुरु पातशाह ने अमृत बाणी विच बख्शिश किया है, मनमुखा केरी दोस्ती माया का संबंध, देखद्या ही भज जान कदे न पाए निबंध, जिचर पहनन खावने तिचर रखन कंड, जित दिन कशु न हो वई तित दिन बोलन कंड। स्वार्थी रिश्ते विच मजबूरी है, ये केवल सुखां दे वेले आउंदा है, दुखां दे वेले साथ छड़ जांदा है। सियाने लोगों ने कहावत बनाई है, हनेरियां विच परछावां भी साथ छड़ जांदा है। जदों हनेरे आउंदे ने जिंदगी दे दुखां दी कहानी आउंदी है, उदों परछावें भी साथ छड़ जांदे ने। जिहड़े ऐसे स्वार्थी लोग होंदे ने, वो चंद कदम भी नाल नहीं तुर पाते। कहन लगे, सजना अपनी जिंदगी दे अंदर कदे तू मित्रां दी गिणती करनी होई ना तो सुखां वेले ना करी, दुखां वेले गिणती करके देखी, फिर तैनू पता लगेगा किन्ने कु मेरे नाल साथी ने। सुख में आन बहुत मिल बैठ, रहत चहूं दिश घेरे बिपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नेरे। इन विचों किसी ने साथी नहीं बनना, ये स्वार्थी रिश्ते ने, अज है कल नहीं होवेगा। जेड़े मित्र दोस्त जिंदगी दे आरंभ विच होंदे ने, वो मित्र दोस्त जवानी वेले नहीं होंदे। जिहड़े मित्र दोस्त जवानी वेले होंदे ने, ते खिमा करियो अधखड़ उम्र विच नहीं होंदे, ते आखिरकार जिहड़े बिरध अवस्था वेले मित्र होंदे ने ना, वो कई बारी सारी जिंदगी नहीं मिले होंदे, पर बिरध अवस्था वेले मित्र बन जांदे। जिहो जिहो जी किसे कोलों आस बजदी गई, उही जी दोस्ती दा सर्कल बनदा गया, निड़ता होंदी चले गई। बचपन सी कोई होर तरह के लोग सन, जवानी हुई कोई होर तरह के लोग आ गए, अधखड़ उम्र हुई कुछ होर तरह के लोग आ गए, बिरध अवस्था होगी हुण तेरे तक मतलब ही किसी नूं कोई नहीं है। हुण ते बस सिर्फ दो ही ये गल्लां रह गईयां ने, या तो तेरे कोल जमीन जायदाद होवे उह तेरे कोल बैठ सकदे ने, या फिर कोई तैनूं दुख दसण आ जाए, क्योंकि हुण तू खुद दुखां दी पंड बनी बैठा है, ते तां करके या तैनूं कोई दुख दसण आ जाएगा, लेकिन हुण तीजा रिश्ता कोई नहीं है, सारे छड गए ने। एक रिश्ता परमार्थी है जी, दूजे पक्ष की अज आप गल करनी है। और रिश्ता ऐसा है, साहिब आखते ने, कहन लगे इहदे विच स्वार्थ नूं प्रधानता नहीं होंदी। एक बारी मेरा बन के वेख, बड़ी दुनिया दा बन के वेख्या, एक बारी तू मेरा बन के वेख, यकीन जानी रब तेरा बन जाएगा, वो वितकरा ही नहीं रखता। और दुनिया के मित्र दोस्त ना वो ने जेड़े औखे वेले साथ छड़ जांदे ने, पर एक ऐसा मित्र है जेड़ा सगो औखे वेले काम आउंदा है। पढ़दे हो ना बचन मेरे पातशाह दी बाणी दा, बड़ा धीरज बनदा है अंदर जे किते अपने मन ते करके आप सुनीए। साहिब आखते ने, जंको मुश्किल अत बणै,
ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साख पी भज खले सबो भजे आसरा चुके सब असराओ चित आवे उस पार ब्रह्म ना लगे ना तत्ती बाओ। संग सखा सब तज गए कौ न निभियो साथ कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। कहन लगे वेख हजे भी टेक रब दी वो कदे खत्म नहीं होंगी। ये दोस्त बदलाउन की लोड़ भी नहीं पैंदी। बचपन विच भी होई जवानी विच भी होई अधखड़ उम्र विच भी होई ते बुढ़ापे वेले भी उही काम आ जांदा है। नैनो नीर बह तनकीना भए केस दुदवानी रुदा कंठ शब्द नी उचरे अब क्या करे परानी राम राय हो है वैद बनवारी अपने संतें लेहे उबारी माते पीर शरीर जलन है कर करेजे माही ऐसी वेदन उपज करी पई वांका औखद नाही हर का नाम अमर जल निर्मल ए औखर जग सारा गुर प्रसाद कहे जन भीकन पावो मुख द्वारा मेरा मित्र जे है जेड़ी मेरी बुढ़ापे वेले भी जदों मेरा कोई नहीं हुंदा उदों भी बांह पकड़ लैंदा छड़दा नहीं है मेरा कदे त्याग करके नहीं जांदा। पर एक सवाल है मैं फिर बेनती करा फिर भी मनुख अपनी जिंदगी दे अंदर उन्हां रिश्तियां नूं ज़्यादा तोड़ बंद करता है जड़े रिश्ते स्वार्थी ने जड़े रिश्ते स्वार्थी ने उन्हां रिश्तियां दी डेढ़बुण ज़्यादा करता है। पुत्र नाराज हो जाए धी नाराज हो जाए घरवाली घरवाला नाराज हो जाए माता पिता नाराज हो जाण ये मनाने की कोशिश करता है लेकिन ये कदे भी ख्याल नहीं करता जेड़े रब ने तेनू सब कुछ दिता है जेड़े गुरु ने तेरे तो परिवार वारता वो सजना कदे उस गुरु नू भी मनाने की कोशिश कर कदे उस रब नाल भी मनाने की कोशिश कर वो रिश्ते नाल सांझ नहीं पाउंदा वो रिश्ता टुट जाए इहनू तद भी परवाह नहीं वो रिश्ता जुड़ जाए इहनू तद भी परवाह नहीं। रब दे संते देहे नहीं हुंदे रब दे संत ते अपना आपा त्याग के मालक दे हो जांदे ने तद ही तां अमृत बाणी दा वचन है कहन लगे फिर वो रब भी उन्हां दा ही हो जांदा है। देखो एक रबी बाणी दी पंक्ति आपां सद दे बाणी दी आरंभता विच पढ़ने हां सहबाकते ने जग दाता सोए भगत वशल तैं लोए जियो। कहन लगे जड़े दाते वाली गल है ना वो तो तू सारे जगत दे ही दाता है उहदे नाल कोई अंतर नहीं सब नू पालदा है किरतकणा नू भी पालदा है पापी दुष्टां नू भी पालदा है पर जिहड़ा तू किसे नू प्यार करदा है ना ते प्यार तू केवल अपने भगतां नू करना है प्रीत अपने भगतां नू करना है जिहड़ा भगत वशल दी गल है ना तू बख्शण वाली गल है ना वह तू अपने प्यारे नू करना है। एक रबी बाणी की पंक्ति और ख्याल विच करियो ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो के मेरे मालिक तेरे घर का एक वखरा जिहा असूल वेख्या है सगल सृष्ट को धनी कहीजै धनी कहिंदे ने मालिक नूं तू मालिक ते सारी सृष्टि दा ही है जन को अंग निरारो पर अपने सेवक नाल तेरी प्रीत एक वखरी किस्म दी है सेवक नाल करे कोई लेखा जोखा नहीं है जो जन पार ब्रह्म अपने किन्ने तिन का बहर कछ ना बिचारे उहदा कोई लेखा जोखा ही नहीं उहदी कोई विचार ही नहीं तो उहनां दा बन गया वह तेरे बन गए वितकरे मिट गए। गुरबाक पढ़ दियो कबीर तू तू करता तू हुआ मुझ मैं रहा ना हूं जब आपा परका मिट गया जत देखा तत तू मैं ना ही कछ हाँ ना ही कछ आहे ना मोरा अवसर लज्जा राख लो सदना जन तोरा अंतरी कोई नहीं। रब दे भगत ने जेड़े उन्होंने रब नाल एक ऐसा रिश्ता गंढ लिया जिहदा सदका वह रब दे बन गए रब उन्हों का बन गया। एक गुरबाक होर ख्याल करियो
देखो असी एवें जुगतियां पुछते फिरी जाने हैं, असल में बहुतियां जुगतियां ही पुछदा वह बंदा हुंदा जिन्हें कमाउनियां ना उबना, जिन्हें कमाउनियां ना उबालियां पुछता भी नहीं। एक बचन है रबी बाणी दा, आप सवार है मैं मिले, हुण दसो इह च कादी कमी जिहड़ी गल सानूं समझ नहीं लगदी। कहिंदे बंदिया तू अपने आप नूं सवार के वेख, अपने आप को थोड़ा जा सवार के वेख, तेनू मैं लभ जाना, तेरे विच ही तां मैं बैठा, तू अपना घर उलझाया होया उहदे विचों तेनू मैं नहीं लभ रहा। तू किधरे काम का खिलारा पाई बैठा, किधरे क्रोध का खिलारा पाई बैठा, किधरे लोभ मोह हंकार का खिलारा पाई बैठा, किधरे तृष्णा का खिलारा पाई बैठा, किधरे ईरखा का खिलारा पाई बैठा, किधरे तू विषय विकारा का खिलारा पाई बैठा, माया का खिलारा पाई बैठा। इहनू खिलारे नू संकोच के देख, अपने आप नू तरतीब विच करके देख, तेनू मैं लभ जाना, किथे भालदा तू। आप सवारै मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रह सब जग तेरा होए। कहन लगे तू एक बारी मेरा बन के वेख, सारी दुनिया तेरी बन जानी है। पर तू एडी स्वार्थी बात है, असी कदे रब दे नहीं बनते। मैं बेनती करा, सब कुछ दे बन सकने हैं पर कदे रब दे नहीं बनते। एक बारी उहदे बन के वेखीए। दो शब्द होर कबीर साहब दे श्लोकां विच आई है। वह आखते ने, कहन लगे जे प्रीत करनी है ना तो मैं तेनों प्रीतवाना दियां दो गल्लां समझाउणा है। और हैरानी दी गल है, चेता रखियो जे निर्जिंद चीज जिहड़ी हुंदी है ना, जिहदे विच जान ना होवे, वह प्यार नहीं कर सकती, ना वह प्यार दे सकती, ना वह प्यार ले सकती। निर्जिंद चीज विच प्यार नहीं हुंदा। पर कबीर साहब ने जिहड़ी उदाहरण दित्ती उह निर्जिंद चीज़ां दी दित्ती है, ज्यौंदियां नूं निर्जिंद चीज़ां दी प्रीत दी गल समझाई है। वह मना तेरे नालों तां वह चंगे ने जिहड़े निर्जिंद हो के भी देख प्रीत कैसी करदे ने। कबीर हल्दी पी लई चूना उजल पाए, राम स्नेही तौ मिलै जो दोनों वर्ण गवाए। कहन लगे वेख सजना, हल्दी अते चूने नू कली सफेदी जिन्हों आप शब्द वरतते हैं पिं उदों पुराने समय अंदर इंडिया दे विच करिया करदे सा मकाना नू। कहन लगे कदे उस चूने नू कदे कली नू वेख, उहदा रंग चिट्टा है सफेद है, ते जिहड़ा हल्दी दा रंग है वह पीला है। पर जद चूना ते हल्दी आपस विच ही मिलदे ने ना, कहन लगे चूना अपना उज्जलपन छड्ड देंदा है ते हल्दी अपना पीलापन छड्ड देंदी है, एक नवा रंग लाल पैदा हो जांदा है। कबीर हल्दी पिलतन हरै चोन चेहन ना रहाए, बलिहारी इस प्रीत को जै जात वर्ण कुल जाए। कहन लगे मैं कमाल है बरिहारी इस प्रीत तो, जिहदे विचों जात वर्ण सब कुछ खत्म हो गया, ना कोई पछाण सकदा भी ये चूना सी, ना कोई पछाण सकदा भी ये हल्दी सी, दोवें इकमिक हो गए, एक नवा रंग पैदा हो गया। असी रब दे होके भी रब दे नहीं हुंदे, खिमा करियो जे। असी रब दे होके भी रब दे नहीं हुंदे, जिहड़े रब दे हो जांदे ने वह फिर अपना आपा त्याग देंदे ने, वह प्रीत पा लेंदे ने मेरे साईं दे नाल, जिन्हां दीआं प्रीतां पै गईआं फिर वह परमेश्वर दे बन गए, परमेश्वर उहनां दा बन गया, कोई अंतर नहीं रह जांदा। संतन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हरकै जां को पाक स्वामी। जिंदगी दी कोई भी चीज़ अजिही नहीं जिहड़ी उस मनुख नूं डुला सके। एक गुरवाक वल होर ख्याल करियो, मन चाहुंदा ते इहो वी मैं शब्द नाल जुड़ा, पर कई बार कई गल सामने आ जाए ने, लुकाउण ते जी नहीं करता। गुरवाक है बड़ा प्यारा, बहुत ध्यान दिओ। साहब कहिंदे ने वेख सजना, जिहड़ी संत की काल कमाई वह की है, जिहड़ी रब की बंदगी करन वाले की काल कमाई वह की है। गुरवाक है रबी बाणी दा, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰਗ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌੜੀ। ਪੌੜੀ ਕਦੇ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਗ ਕਦੇ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਸਤਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ, ਸੁੱਖ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਧ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਲਏ, ਪਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੌੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮਾਰਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ, ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਖੂਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਖੂਬੀ ਇਹ ਵੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੌੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੈਰ ਤਿਸਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੰਤ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਸੰਤ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤਿਸਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਿਸਲ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਗੁਰਵਾਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਜੀਓ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਧੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅਕਸਰ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
दुनिया विच हमेशा ख्याल है मापियां ने औलाद दे ना रखे होंदे ने। शायद मैं गलत भी हो सकना है, मैनू आस नहीं भी कदे किसे औलाद ने अपने मापियां दा ना रखिया होवे, कदे किसे औलाद ने अपने मापियां दा ना रखिया होवे, ऐसा हुंदा नहीं है। हमेशा मापे ही औलाद दा ना रखते ने। रब दे घरे गल बिल्कुल उल्ट है, जितने भी नाम रखे ने ना रब दे, और रब दी औलाद नहीं रखे ने। असी रब दी औलाद ही है ना, ते जिने उन्हूं बख्श लिया, परमेश्वर ने जिन्हूं बख्श लिया उन्हें उन्हूं बख्शंद कह दिता, जिदे उत्ते उन्हें दया कर दिती उन्हें उन्हूं दयालु कह दिता, जिन्हों पाल दिया पालदियां नूं वेख लिया उन्हें गोपाल कह दिता, जिन्हें उन्हें मन नूं मोह लिया अपने चरणों में जोड़ लिया उन्हें मोहन कह दिता, जिन्हें उन्हें बहुत प्यारा करके जाने उन्हें उन्हें लाल कह दिता। अणगिणत शब्द ने इहो जिहे, जितने भी रब दे नाम ने उहदी औलाद नहीं रखे ने। आराम राय शब्द भी रब लई परमेश्वर लई, हे सारियां जगह ते रमे हुए राजे, हे सारियां जगह ते बसे हुए राजे, तू संतां का संत तेरे, तू संतां दा बन जाना है, संत तेरे बन जांदे ने, तेरी बंदगी करन वाले तेरे बन जांदे ने। इसे लिए तां हज़ूर आखते ने, कहन लगे मेरा जी करदा है मैं ऐसे गुरमुखां दे ऐसे संतां दी चरणां दी धूड़ी किते मिल जाए, मैं चुके मस्तक ला लां, जिहड़े तेरे बन गए, जिहड़े तेरे विच अभेद हो गए, जिन्हें नाल तेरे नाल परमार्थी सांझा पा लईआं। मेरे राम राए तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को भौ किछ नाहीं, तेरे सेवक नूं कोई डर नहीं है दुनिया अंदर, तेरे सेवक नूं कोई डर नहीं है, जम नहीं आवे नेरे। डर ते कई तरीकियां दा, पर सब तो बड़ा डर असी मनदे हैं जिहड़ा मौत दा डर है। साहिब कहिंदे ने, कहिण लगे उहदे नेड़े जम भी नहीं आउंदा, उहदे नेड़े जिंदगी दी औखी घड़ी आउंदी नहीं है। जम असल विच बणदे ही तां ने प्यार वाले, ओह थोड़ी जी तवज्जो दे के समझना, जदों बंदा रब दे चरणां विच टुटदा है, गुरवाक आउंदा 12 महां दी पंक्ति विच, बहुत ध्यान दे के समझियो, प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, हे प्रभु स्वामी जदों मैं तेरे तो विहूणा, विहूणे दा मतलब हुंदा खाली, तेरे नाल मेरा रिश्ता टुटदा है। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम, जेडे मेरे मित्र ने भी मेरे जम बन जाते ने, मेरे अपने गुण भी औगुणा विच बदल जाते ने, मेरी अपनी जिंदगी भी बंधन बन जाती है, मेरी अपनी जिंदगी भी इस राह ते तुरन जोगी नहीं रहिंदी, तो जेडे मेरे ही जिंदगी दे गुण ने ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਬਦਲ ਕੇ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਔਗਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਰੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਔਗਣ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤ ਸਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਔਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
इन्हां गुणां नहीं तैनू औगुण बना के बंदी बना के तेरे जम बन के तैनू टक्करदे ने। साहिब आखते ने जिन्हां उत्ते तू कृपा करना है, जिन्हां उत्ते तू बख्शिश करना है, जिहड़े रब्बा तेरे बन गए ते उन्हां दे नेड़े जिहड़ा जम है ना वह कदे नहीं आउंदा, उन्हां दी जिंदगी दे गुण कदे गलते नहीं, उन्हां दी जिंदगी दे गुण कदे बर्बाद नहीं होंदे। तेरे नाल जुड़े हुए ने, तेरे नाल जुड़ के जिंदगी दा आनंद लैंदे ने। ना उन्हां नूं आ दुनियावी जमा नाल वास्ता है, ना उन्हां नूं जिहड़े मरण तो बाद सुणीदे ने, ना उन्हां नाल वास्ता है, क्योंकि रब ते कह दिंदा है वी जिहड़े गुणवान ने उन्हां नूं औगुणां दी जंजीर किवें पै सकदी है। नानक औगुण जितड़े तेते गली जंजीर, कहण लगे जितने भी तेरे औगुण ने सजना ए चेता रखी, अज थै तैनूं ना पता लगदा होवे इक इक औगुण ने तेरे पैरां विच बेड़ी बन के बैठ जाणा। उह सजना इन्हां ने जम बन जाणा। हुण जिहदे कोल परमेशर है, निरंकार है, उहदी जिंदगी दे गुण नहीं गलदे ते उह कदे औगण नहीं बणदे, औगण ना बणन करके उह कदे जमां दा रूप नहीं धारण करदे। मेरे राम राए तू संतां का, तू संतां दा पालना सारिआं दी करना है, पर जिहड़ा तू रिश्ता रखना उह संतां नाल ही रखना है, प्यारिआं नाल ही रखना है, बंदगी करन वालिआं नाल रखना है। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किश नाही। तेरे सेवक नूं कोई डर नहीं है, डर लथ के। वैसे पढ़दे तो असी भी निरभउ हैं, सारी जिंदगी निरभउ पढ़दे आ, पढ़दे आ भउ खत्म कदे नहीं हुंदा। रब दे प्यारिआं नूं कदे पुछ के वेखणा, उहनां नूं डर कोई नहीं जी हुंदा, उहनां नूं कोई डर नहीं हुंदा। जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिनका पाओ सब गवासी। उन्हां दा डर ही खत्म हो गया, निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै। एक बेनती इत्थे होर कर दिया, देखो तुसीं पैसे कमाउंदे हो, तुसी तां मतलब मैं भी कमाउंदा, मैं भी तुहाडे नाल ही हाँ। असी एक तां मुश्किल है भी कथा कीर्तन करन वाले कोई वक्खरे नहीं, असी भी तुहाडे वर्गे इंसान है, आपां रल मिल के पैसे कमाउंदे हैं, खर्चे तो वधे हुए फिर बैंकां विच रख दिंदे हैं, ते कदे कदाई बैंक विचों भी एक स्टेटमेंट पढ़ने भी मेरे किन्ने कु पए ने, ते जे किते उहदे विच पैसे रखते जाइए पर उह वधण ना। आम साधी जी उदाहरण है, जे उह पैसे वधण ना फिर आपां घोख करने आ वी किते मैं गलत खाते तां नहीं जमा करवाई जांदा, जां मेरे पैसे घटे क्यों, वधे क्यों नहीं जदों मैं जमा करवाए ने। असी दो दिन भी बर्दाश्त नहीं करांगे, साढ़े दस भी डालर भी इधर उधर होने होंदे आन, असी तमन्ना रखांगे भी पता कराए कित्थे गए, मैं जमा करवाए सर मेरे खाते क्यों नहीं है। हुण साहिब नूं पुछिए, सतगुरु जदों तेरी बाणी पढ़ना है, मैं जदों बैठ के मैं वाहिगुरू वाहिगुरू करना है, ते दातिया मैं जमा करन दी ते कोशिश करना है, पर जब मैं अंदर झात मारना ते अंदर मिलते कोई नहीं, जो मैनूं अंदर कोई खाता जमा नहीं हुंदा। जिने निरभाओ जपया मैं बेनती करा जिंदगी च निरभाओ होएगा, जिने अकाल मूर्त नूं जपया उस समय दी बंदिश विचों बाहर होएगा, जिने अजूनी नूं जपया वह अजूनी बनेगा, वह जमण मरण विच नहीं आएगा। लेकिन असी क्यों है फिर भटकना विच, जपदे तां आपां भी है, कोशिश तो करने हैं ना। साहिब कहिंदे पुत्रा उहदा कारण इक्को ही है, तो उन्ना जपदा नहीं है जिन्ना तेरे लुटेरे लुट लेंदे ने। इस देही अंदर पंच चोर वसें, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बुझे कोई ना सुने पुकारा। तेरे नित दे अंदरले अमृत नूं उन्नी तू जप जी साहब नहीं पढ़दा सजना, जिन्ना हंकार तेरी अंदरली इस दौलत नूं लुटदा रहिंदा है। तां करके असी निरभउ जपदे हां भी निरभउ नहीं हो सके।
साहब कृपा कर रहे ने, तेरे सेवक नू कोई डर नहीं है। अगलिया पंक्तियां दी विचार करिए, समय दी सीमा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, स्वामी शब्द का अर्थ हुंदे मालिक। जदों असी किसे कोल काम करने हैं ना, कोई किसे कोल भी काम करदा ते आम शब्द वरत्या जांदा बॉस, मालिक, स्वामी, कोई शब्द ला लीए। जे उन्हूं पुछिए भी तुहानूं मालिक क्यों कहना है, तो एक गल दसदा भी सजना, इहदे काम कार दे वसीले नाल मेरा रोजी रोटी चलती है। भलिया जिन्हें चंद घंटे काम करवा के तेरी रोजी रोटी का प्रबंध करता, उन्हूं ते मालिक कहन लग गया। पर जिन्हें तेनों काम करन दे योग बनाया भी उत्थे जाके तू काम कर सकना, उवें तू कदे उन्हूं मालिक कहिंदा ही नहीं। स्वामी नूं कदे मालिक कहिंदे ही नहीं, परमेश्वर नूं कदे मालिक कहिंदे ही नहीं, उन्हूं कदे मालिक करके नहीं इन्हें जाणिया। बल्कि जे तुसीं मेरी गल नूं बर्दाश्त कर लो ते मैं एक अर्ज तुहाडे हौसले ते होर करन लगा है, तुसीं यकीन करके जाणिओ, असीं कहिंदे भी नहीं मालिक, ते उहदे कोल कम भी मालकां वाला नहीं लैंदे, बल्कि अपनी नित दी लिस्ट पकड़ा के चले जाने हैं। साईआं मेरा आह कम कर दे, मेरे धीआं पुत्तर पास हो जाण, वह चंगीआं नौकरियां ते लग जाण, मेरे घर विच दुनिया भर दे सुख होण, मेरी देह अरोगता होवे, मेरे कारो विहारां च वाधा होवे। कितनी लंबी लिस्ट पकड़ा के चले जाने हैं। गुरु सिर्फ एक छोटी जी लिस्ट दिंदा भी इह पंज बाणियां दा पाठ कर लिया कर। इह कहिंदा मेरे कोल हुंदा नहीं, वक्त नहीं है। कहते तेनों गुरु ने भी कहा भी मेरे को वक्त नहीं है तेरे काम करन जोगा। कहते गुरु ने कहा भी मेरे को वक्त नहीं तेरे काम करन जोगा। देख किड्डी वड्डी दुनिया मेरी, ते ए लोग आउंदे ने जांदे ने, अनेकां रब दी भजन बंदगी करदे ने, मैं ते उहनां दे काम करांगा। नहीं भलिया, वह स्वामी है। स्वामी ते अपनियां दी चरणा विच आयां दी लाज रख लैंदा ना। असियों मूर्ख हैं जिहड़े उस स्वामी नाल प्रीता नहीं पाउंदे। जिसके सिर उपर तू स्वामी, ओ बंदिया दुनिया दे बंदिया नूं इह तू मालिक कही जाना, तू उहनूं भी कदे स्वामी कह के देख, वह मालिक नूं भी कदे स्वामी कह के देख। जिहदे सिर उत्ते वह स्वामी बन जांदा, सो दुख कैसा पावै। कहण लगे मैनूं दुनिया विच वह दुख दिखाओ, मैनू दुनिया विच ओ दुख दिखाओ जेड़ा मेरे मालक दे स्वामी दी शरण विच आउण तो बाद विच भी बंदे नूं सताउंदा होवे। कोई दुख दिखाओ, सो दुख कैसा, किहो जिहा दुख है जिहड़ा ओह पालेगा, भाव कोई भी दुख नहीं है। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जाणीए, सतगुर होए दयाल तां हर रंग माणीए। ना जानिए ना मतलब मैं दुख की परवाह ही कोई नहीं करता, मैं समझता ही दुख नूं कोई नहीं, जदों स्वामी की रहमत हो जाए। बोल ना जाने माया मदमता, मरना चीत ना आवे। इत्थे हुण एक गल समझ के तुरियो, कई बारी पंक्ति का बाहरी सरूप देखण नूं कुछ होर हुंदा है, ते उहदे विचले अर्थ कुछ होर गहरे संबंध रखते ने। बाहरले सरूप नूं वेख के उहदे अर्थां दे इसे नाल नहीं पूरा इंसाफ कर सकांगे। हुण पंगती तां इवें है, बोल ना जाने जिहदे सिर उत्ते तू स्वामी है, इह हुण उहदी गल चल रही है। बोल ना जाने, उह बोलना नहीं जाणदा। माया मद माता, उह माया दे नशे विच मत्तिया होया। मरना चीत ना आवै, उहनूं मौत दा भी ख्याल नहीं, मरना उहनूं चेते ही नहीं है। हुण बाहरी सरूप पंगती दा इह दसदा भी इवें दे अर्थ बणदे ने, पर नहीं। तदी बेनती करी दी है, गुरबाणी नूं समझ समझ के पढ़न दे नाल ही अंदर अमृत वरसना है, समझ समझ के पढ़न दे नाल। और जे यकीन करके जाने हो, जिहड़ा सतगुरु जी ने शब्द वरत्या ना भी प्यारे इन बिद मिलण ना जाई, उन्हां विच्चों सब तो पहला जिहड़ा नुकता मन्निया ना, वह निरा पाठ करन वालियां दा मन्निया। मैनूं माफ कर दिओ जी, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। कई बार ये दोष लाया जांदा भी बाणी पढ़न तो रोके, बाणी जिन्नी मर्जी पढ़, जिन्नी मर्जी पढ़, दिन रात पढ़ो। ये गुरु के सिखा तू किड्डा सुभागा होएगा जे तेरे कोल रब बाणी पढ़वाउंदा है। पर इहदे नाल सोचना भी निरी पढ़िया गल नहीं जे बननी,
छोटी जी को उदाहरण दे दिया, समा मैं बार बार सुचेत करता है। तुहाडा बच्चा घर में बैठा हो किताब पढ़द, तुसी कदे भी ऐसा नहीं करोगे भी बेटे चंद तो किताबा ने, अठ सत किताबा ने सारिया, तू एक बारी मेहनत मार, दो महीने ला के इन्हों पढ़ के रख दे। वो बच्चा कहना भी एडी जल्दी नहीं जे पढ़िया जानिया। तुसी पुछो क्यों, असी तो 1430 पन्ना धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पढ़ते ने, तो तुहाडे कोलो किताब नहीं पढ़ आउंदी। एक छोटी जी वो जवाब देवेगा भी पिता जी मैं कल्ली पढ़ के नहीं जे रखनी तुहाडे वांगू, मैं तो समझनी है, जदों मेरा एग्जाम होया मैं की लिखांगा जे समझिया ही कख ना, मेरा मसला पढ़न दा नहीं है, मैं इतने ध्यान नाल पढ़नी, जदों मेरा एग्जाम होना मैं उत्थे जाके लिखना मूँह जबानी, उदों मेरे को किताब ने नहीं होना। तो साहब कहिंदे ने भलिया ये गल तू अपनी जिंदगी क्यों नहीं सोचता, तू धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी इन्ने कु प्यार समझ समझ के पढ़, फिर जदों तेरा एग्जाम होवे काम नाल फिर तू पास होवे, जदों तेरा एग्जाम होवे क्रोध नाल, जदों तेरा एग्जाम होवे तृष्णा नाल, जदों तेरा एग्जाम होवे पराई ईरखा नाल, तू उदों पास होके गुरु चरणा विच आवे, क्योंकि तू रब की बाणी समझ के पढ़िया होया। हुण बाणी ते बहुत पढ़ने हैं, मेरे वर्गे का छोटा जिहा परचा पैंदा काम का झट डोल गया हो गया, छोटा जिहा परचा पिया क्रोध का अपनी जिंदगी तबाह करके हो गया, नहीं पास होंदे बल्कि फिर भी इन्नी शर्मिंदगी नाल होंदे, फिर भी चंगे ढंग नाल नहीं होंदे, माड़ा मोटा ही फेल हो जाए मालक कृपा ही कर दे किसे वेले तरसी कर दे, तो फिर भी इन्ने गंदे ढंग नाल होंदा, शर्म आउंदी है। हजूर आखते ने कहन लगे भलिया पुरखा बाणी की पंक्ति ध्यान नाल विचारीए तो सानू सेध मिलेगी, बाकी पंक्ति आप संखेप जी विचार सकांगे। हुण इहदे अर्थ की ने भी स्वामी जिहदे उत्ते तू मेहरबान हो जाना सिरदा स्वामी बन जाना है, उहदी जिंदगी च की तब्दीली आउंदी है। बोल ना जाने माया मद माता, ओ माया दे नशे विच मत के बोलना ही नहीं जानदा। जड़े आम लोग ने माया दे नशे विच मत के बोलते ने, निक्की जी गल करके देखो कहना तू मैनू जानदा नहीं, वो शिव कदे नहीं कहिंदा, जिहड़ा रब दा प्यारा वह कदे नहीं कहिंदा, वह कदे नहीं कहिंदा। उहनू पुछिए तुसी कौन हो, वह कहिंदा हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट स्टाणी, संत हमारा गहना, हम संतन श्यो बने आई, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा भाई। वो कदे अहंकार नहीं करता। बोल ना जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे, ओनू मौत का ख्याल वार वार सताउंदा नहीं है, ओनू पता भी रब्बा एक दिन जाना है। जड़ी लोग मौत दुनिया नू मौत डरावनी बनी हुई है, रब दे भगत लई कबीर मोहे मरने का चौ है, उहदे लई पंक्ति दे अर्थ तब्दील हो जाने ने। अगलियां पंक्तियां ने जी, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, जेड़े तेरे रंग विच रत के मेरे स्वामियां उन्हां दा जम्मण मरना खत्म हो गया, वह ज्यौंदियां जी मिल गए। एक गल तुहानू मेरी तुहानू बहुती रास नहीं होनी, मैं पहला भी कहिंदा रहा ते हुण भी, क्योंकि असीं बहुतियां सच्चियां गल्लां सुणन दे आदि नहीं हुंदे। मत कोई सोचो भी साड़ी केवल तो केवल बंदा जिंदगी भर शराब पी के मर जाए, बंदा जिंदगी भर विशे बकार कमाउंदा मर जाए, तो साड़ी अरदास दे नाल सच्चे पातशाह नूं हुण अपने चरणां च निवास नहीं, मैं बेनती करा नहीं जे मिलना, मैं तां कह लैणा पता मैनू भी मिलना नहीं है, फिर भी मैं अरदास क्यों करनी, क्योंकि तुसीं मैनूं पैसे देंदे हो, मैं तो पैसों की खातर कह देना भी रब इन चरणा च निवास बख्शी, पर इवें मिलना कोई नहीं है जे बेनती करा। हाँ कोई विरली रूह है उन्हें जिंदगी च अनभोल ना जानद्या होया कोई कुकर्म कर लिया, सतगुरु ये उन्होंने कर्मों वल झात ना मारी, इनू चरणा च निवास देनी, ये तो हो सकता है। पर जे कोई बंदा कबीर मन जानत सब बात, जानत ही औगन करे, सारी जिंदगी गुजारती इन्हें कदे गुरु की गल नहीं सुनी, तो मुड़ के उन्होंने कही है भी इन चरणा च निवास दे रहे, इस तरह नहीं जे मिलना। हाँ जम्मण मरना किन्हां दा कटिया जाना है, जो तेरा रंग राते स्वामी उन्हां दा, तिनका जन्म मरन दुख नासा, तेरी बख्श ना मिटे कोई, सतगुर का दिलासा,
दिलासा हौसला। मेरे सतगुरु ने मैनू यह हौसला दिता वो जे बख्शिश ही लैनी है वो तू क्यों दे धारियों को भटकना फिरदा ने बख्शिश ही लैनी तू रब की लै जिन्हों मेट ही कोई नहीं सकता जिन्हों मेट ही कोई नहीं सकता। नाम ध्यान सुख फल पाएन आठ पहर आराध है जोड़े तेरे नाम में ध्यादे ने सुखा के फल पाते हैं अठे पहर तेरी इबादत करते हैं तेरी शरण तेरे परवस है तेरी शरण में पै के तेरे भरोसे ते पंच दुष्ट लै साध है वो पंजे दुष्टा विकारा साध लेंगे ने ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना। हुण आ सारी दात पा के देखो उते रब दा बन गया रब उहदा बन गया हुण ते कोई मुश्किल नहीं ना आम एक दुनियावी बंदा थोड़ा जिहा राजनीतिक पद्धर दा होवे वो जे कितें अपने ना हाथ मिला रहे असीं सौ बंदियां नूं दिखाउने फोटो खिच खिच के अपने ड्रैइंग रूम च लाउने भी कदे मैं इहदे नाल पल गुजारे सन दो दिखाने ना असी क्योंकि सानू लगता है भी इस बंदे बंदे की शख्सियत नाल मेरी भी शख्सियत वड्डी हो जाएगी। हजूर आखते ने कहिंदे एडा वड्डा हो गया तू रब का रूप हो गया परमेश्वर का रूप हो गया रब तेरा बन गया भलिया बंदगी करन वाले आ पर वो फिर दिखावा नहीं करता वह की कहिंदा आखिरी पंक्तियां ने कितें असी दिलों इनू पढ़ लईए वो आखिरी कहिंदा ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना रब का रूप होया रब होया जीवे गल कहिंदा मेरे वर्गे नूं ढाई पंक्तियां नहीं आउंदियां शुद्ध उचार पढ़नियां ते फिर भी जिन्ना चिर ज्ञानी जी ने ना कहो उन्ना चिर अपने आप की धौण जिहड़ी है ना वह आकड़ी नहीं है नहीं मन मनदा भी तुसीं मेरा नाम किवें अनाउंस कीता भरिया पिया अंदर अहंकार भरिया पिया नहीं गल बर्दाश्त होंदी। समा बहुत हो गया जो मेरे को खिमा करे जे दो तीन मिनट वगैया होगी समाप्ति करा ना मैं ज्ञान जानदा ना मैं ध्यान जानदा कदे खाली करिए अपने आप नू सार ना जाना तेरी मैं तेरी कोई गल भी नहीं जान सकिया फिर मेरा काम बनिया किवें सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी मेरा सतगुरु बहुत वड्डा सी मैं इतना छोटा ही सा मेरे सतगुरु बहुत वड्डा सी जिन्हें मेरी पत रख ली जिन्हें मेरी कृपा कर दिती जिन कल राखी मेरी जिन्हें अपनी रहमत दे के मेरी इज्जत पत बचा ली मैनू उन्हें लायक बना लिया भुलन चुका नहीं खिमा गुरु कृपा करे अमृत छकीए गुरु वाले बनीए फिर साहब दियां बख्शां साडी चोली पैणगियां प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।